जी, तो हम कल का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। कल हमने कुछ एजेंसीज पढ़ी थी और कुछ इम्पॉर्टेंट जो है अपने बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट है ना, हमने पढ़े थे। तो इसके अंदर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, युक्ति, ठीक है। युक्ति एक रिसेंटली लॉन्च्ड प्लान है और इसके अंदर क्या है कि इसकी फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये ड्यूरिंग कोविड इसे लॉन्च किया गया था एंड इट इज लॉन्च्ड ऑन द 12th अप्रैल 2020, ठीक है। और इसे डॉक्टर रमेश पोखरियाल, जो हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना, वो उन्होंने किया था ये। एंड इनिशियली इट वाज एनविजन्ड फॉर COVID-19 रिलेटेड इनिशिएटिव्स। तो जो भी COVID-19 के रिलेटेड इन्होंने जो भी कदम उठाए थे उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था, चाहे वो मतलब रिसर्च वर्क के लिए थे या फिर अदर एफर्ट्स थे, ठीक है, उसके लिए बनाया गया था। एंड इन ड्यू कोर्स इट विल ऑल्सो बी यूज एज अ टू कम्युनिकेशन मीडियम ऑन वेरियस पॉलिसी डिसीजन इनिशियटिव या कोलेबोरेशन, सो दैट द मिनिस्ट्री कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट सिस्टम टू द इंस्टीट्यूशन। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं और प्लस जो पॉलिसी जो बन रही हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उनमें ये एक तरह से एक माध्यम का काम कर रहा है कम्युनिकेट करने के, कि हम क्या क्या कर रहे हैं, जो अपकमिंग पॉलिसीज हैं वो क्या होने वाली हैं, कैसे हम उनको देख रहे हैं, और इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उनको अप्रोच कर सकती हैं। सो युक्ति क्या कवर करती है, युक्ति कवर्स द वेरियस इनिशिएटिव्स एंड एफर्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन एकेडमिक्स, ठीक है। कोई भी संस्थान है उसका जो भी शैक्षिक तौर पर कोई भी एफर्ट है, कोई भी योगदान है, या फिर रिसर्च स्पेशली रिलेटेड टू कोविड, कोविड के क्षेत्र में अगर कोई कोविड के ऊपर कोई एरिया में एस्पेक्ट में कोई भी अगर रिसर्च वर्क कर रहा है, ठीक है, या फिर सोशल इनिशिएटिव बाय इंस्टीट्यूशंस, कोई सामाजिक तौर पर उन्होंने कुछ कोई चीज का कदम उठाया है, या फिर एंड द मेजर्स टेकन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टोटल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट की कोई भी अगर इनिशिएटिव लिया गया है। तो द पोर्टल विल कवर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द एकेडमिक कम्युनिटी एट लार्ज, ठीक है। तो चाहे वो क्वांटिटेटिव है, चाहे वो क्वालिटेटिव है, चाहे मतलब हम उसे देख सकते हैं, माप सकते हैं, या चाहे हम उसे मेजर नहीं कर सकते हैं, कोई क्वालिटेटिव चीज की है किसी ने, लेकिन वो इसके ऊपर क्या रहेगी, मेंशन होगी, ठीक है। द पोर्टल विल ऑल्सो अलाउ वेरियस इंस्टीट्यूशंस टू शेयर देयर स्ट्रेटजी। तो आप आगे क्या करने वाले हैं, जो भी संस्थान है वो अपनी जो स्ट्रेटजी है वो उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं फॉर वेरियस चैलेंजेस विच आर देयर बिकॉज ऑफ अन प्रेजेंटेड सिचुएशन ऑफ कोविड। मतलब कि जो हम एकदम से ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम लोग क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, काफी टाइम तक बंद रहा सब कुछ, है ना, आपको पता ही है कि कोविड में क्या सिचुएशन थी, एंड आगे भी हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कल दिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो वॉट वी कैन डू, ठीक है। तो उसके लिए जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेंशन होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है NIRF। NIRF इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। जस्ट जस्ट 1 मिनट।
हाँ जी, तो NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेशनल लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डिफरेंट, तो उनको ये क्या करते हैं, रैंक करते हैं, और इनका एक फ्रेमवर्क है उनको रैंक करने का, यानी एक रूपरेखा तैयार करते हैं और उसके अंडर, उसके हिसाब से ये उसको रैंक करते हैं। और ये कब बना था? ये 2015 के अंदर इसे बनाया गया था। दिस फ्रेमवर्क आउट Outlines a methodology to rank institutions across the country, ठीक है। अब इसमें जो हमारी रैंकिंग है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। उस रैंकिंग में से हमें क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोल के दिखा देती हूँ कि जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस होते हैं, या मतलब हमें डायरेक्ट वहां से रैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसके अगर आप लोगों ने क्या करना है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप रैंकिंग के ऊपर जाओगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2015 में ये बना था, 16 17 18 सारी यहाँ पे रैंकिंग्स हैं। और अगर हम लेटेस्ट रैंकिंग पे जाते हैं, 2022 की जो रैंकिंग है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कैसे है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर आपको ओवरऑल देखना है, नंबर वन तो ओवरऑल है, ठीक है, कि ओवरऑल मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं देश के अंदर, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, कोई भी कॉलेजेस हैं, उनमें से सब में से, ठीक है। दूसरा फिर अकेली यूनिवर्सिटी का है, तीसरा फिर अकेले कॉलेजेस के बारे में है, चौथा फिर अकेले रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में है, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट के हिसाब से है कि कोई मेडिकल है या डेंटल है या फिर आपका लॉ है या फिर आर्किटेक्चर है, ठीक है। सो ऐसे आप देख रहे हो। तो एक तो हमें ओवरऑल टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, ओवरऑल टॉप 10। अब देखो यहाँ पे लास्ट टाइम जब हमने चेक किया था 2021 में, तो यहाँ पे IIS था जितना मुझे याद है। हाँ, अभी क्या है, IIT मद्रास वाला है, तो IIT मद्रास जो है यहाँ पे टॉप पे रैंक कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको देख रहे हो सारे के सारे यहाँ पे टॉप 10 सारे यहाँ पे यही है, क्या बोलते हैं, IITs हैं, ये भी IIT है, IIS है, IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, फिर उसके बाद मेडिकल साइंस का जो इंस्टीट्यूशन है वो है एम्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, दिल्ली वाला, देन उसके बाद JNU है, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, फिर जामिया मिलिया तो बहुत नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे टॉप 10, ये टॉप 5 टॉप 10 आप याद कर लेंगे तो सफिशियंट है, ठीक है। मोस्टली वो टॉप ही पूछा है जब भी उन्होंने पूछा है। तो यूनिवर्सिटीज में देख लेते हैं हम, यूनिवर्सिटी में IIS ही है, ठीक है, IIS है, फिर सेकेंड नंबर पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली वाली, फिर थर्ड नंबर पे देखो यहाँ पे जामिया मिलिया है, ओवरऑल में जामिया मिलिया काफी नीचे थी, यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी है, फिर अमृता विश्व यूनिवर्सिटी है, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, फिर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, ठीक है, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे भी आपको टॉप 10 ये याद कर लेने हैं, ओके, यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं। कॉलेजेस में फर्स्ट यही आ गया, मिरांडा हाउस, काफी टाइम से यही टॉप 10 में चल रहा है, ठीक है। अगर मैं काफी पहले की भी रैंकिंग आपको दिखाऊंगी तो रैंक 1 के ऊपर मिरांडा हाउस ही है, इसके स्कोर 78 आते हैं जब फ्रेमवर्क के ऊपर इसे रखा जाता है। फिर उसके बाद हिंदू कॉलेज आ गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज आ गया, लॉयोला कॉलेज आ गया, फिर उसके बाद आपका लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वेमेन फॉर वेमेन, ये न्यू डेली में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे टॉप 10 आपने याद कर लेने हैं। तो ये आपका काम है, आपने अपनी नोटबुक में ये चार चीजें जो आप देख रहे हो, ओवरऑल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, कॉलेज की रैंकिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद वाले जो फील्ड्स हैं, जैसे लॉ है, आप में से तो लॉ के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, ठीक है, वो अपना अपना फील्ड का टॉप देख सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि भी लॉ का जो है फर्स्ट कौन सा है। अदरवाइज हमारे पास फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको लॉ और मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज हमारा या कौन सी यूनिवर्सिटी जो है रैंक कर रही है टॉप पे, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या नोट करना है इसमें, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके,
ठीक है, तो ये हुई बात एनआईआरएफ की। अब एनआईआरएफ करता क्या है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। और एनआईआरएफ के कुछ हमारे रैंकिंग के स्कोर्स होते हैं, जैसे आपने देखा वहां पे स्कोर भी लिखे हुए हैं कि किसी का स्कोर 70 है, किसी का 75 है, किसी का 78 है, इस तरीके से स्कोरिंग की हुई है, ठीक है। तो दिस फ्रेमवर्क आउटलाइंस अ मेथडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो द मेथडोलॉजी ड्रॉज द फ्रॉम ओवरऑल रिकमेंडेशंस में से होती है, यानी कि ओवरऑल हम हर चीज देखी जाती है यहाँ पे, और सारा एक ब्रॉड पैरामीटर रखा जाता है फॉर रैंकिंग वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। द पैरामीटर्स ब्रॉडली कवर टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, एक तो उनका कैसा वो पढ़ा रहे हैं ये चीज आ जाती है, यानी टीचिंग लर्निंग आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरा एक आ जाता है रिसोर्सेज क्या क्या है उनके पास, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एवरीथिंग comes within, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और प्लस मतलब अगर मान लीजिए मैंने 200 बच्चों का एडमिशन लिया और मेरे पास 2 ही कमरे हैं पढ़ाने के लिए, है ना, या फिर मैं एक छोटी सी जगह में एक कॉलेज खोल खोल रखा है, या मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स, कहाँ पे किस चीज की क्लास कंडक्ट की जाती है, कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है, कितने टीचर्स हैं, अगर आपके यहाँ टीचिंग ऑफ इंग्लिश है तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश कौन पढ़ाता है, कितनी फैकल्टी है आपके पास, ये भी ऐसा नहीं कि एक ही फैकल्टी सारे लेक्चर ले रही है या एक फैकल्टी चार चार अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही है, ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, अगर आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट रखा है जैसे केमिस्ट्री की मास्टर्स रखी है लेकिन आपके पास केमिस्ट्री लैब नहीं है, ठीक है, तो नहीं चलेगा। तो आपके पास फिजिक्स लैब नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज भी साथ के साथ इस पे चेक होते हैं, सारा कुछ ए टू जेड जो है वो एनआईआरएफ चेक करता है, ठीक है। देन आता है ऐशे। अब ये क्या है, टू पोर्ट्रे द स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज एंडेवर्ड टू कंडक्ट एन एनुअल वेब बेस्ड ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ये क्या है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। अब नाम से बिल्कुल क्लियर है कि हम एक सर्वेक्षण कर रहे हैं, हम एक सर्वे कर रहे हैं किसके ऊपर, उच्च शिक्षा के ऊपर, ठीक है। सिंस कब से हम कर रहे हैं ये, 2010 से लेके 11, ठीक है, मतलब वहां से स्टार्ट हुआ, हर साल का ये सर्वे जो है कंडक्ट किया जा रहा है। द सर्वे कवर्स ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री एंगेज्ड इन इम्पार्टिंग ऑफ हायर एजुकेशन। तो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस जो कि हायर एजुकेशन को कंडक्ट मतलब हैंडल कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, उन सबको इसके ऊपर देखा जाता है, ठीक है। उनका मतलब उनके आंकड़े रखे जाते हैं, उनकी सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। डेटा इज बींग कलेक्टेड ऑन सेवरल पैरामीटर्स, इसमें क्या क्या देखते हैं वो टीचर्स भी देखते हैं, स्टूडेंट्स भी देखते हैं, स्टूडेंट एनरोलमेंट कितनी है, मतलब प्रोग्राम्स कौन कौन से चल रहे हैं, जैसे मास्टर्स कितनी चल रही है, कितनी ग्रेजुएशन चल रही है उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, एग्जामिनेशन के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, या फिर एजुकेशन फाइनेंस कैसा जा रहा है, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल चीजें कौन हैंडल कर रहा है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सो इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट सच एज इंस्टीट्यूशन डेंसिटी, ठीक है, या फिर आपकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, या प्यूपल टीचर रेशियो, या फिर जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ठीक है, या फिर पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो भी कैलकुलेटेड। तो ये सारी चीजें भी ऐश के ऊपर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो 2020 से 21 का यहाँ पे मैंने उनकी साइट वेबसाइट पे था ये, तो आपको इसको यू डोंट हैव टू लर्न इट, जस्ट एक बार देख सकते हो कि 2020 से 21 का अगर हम सर्वे करें तो हमारे पास कितने हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो 4.14 करोड़, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 15.5 लाख, ठीक है, इतने टीचर्स हैं, नंबर ऑफ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस जो खुद से चल रहे हैं इंस्टीट्यूशंस ऐसे, ठीक है, वो कितने हैं 11,296, ठीक है। और अगर आप देखते हैं नंबर ऑफ कॉलेजेस तो 43796, ठीक है, एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है 11 13, ठीक है। तो इतनी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये सारा डेटा आपको किस पे मिलेगा, ऐशे पे। तो ये सारे जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डेटा रखते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है ARIIA, ठीक है। ARIIA क्या है, द बज वर्ड अक्रॉस द ग्लोब फॉर द 21st century इज इनोवेशन। अब देखो आप देख रहे हो सारे कहीं क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, हर चीज में हर फील्ड में कुछ नया, ठीक है। अब इन द सिंपलेस्ट टर्म इनोवेशन कुड बी डिफाइंड एज कवरिंग आइडियाज इनटू न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस, या फिर कोई भी सर्विस, यानी कि मैं चाहे कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ या कोई कुछ भी कोई
सर्विस दे रही हूँ या कोई प्रोसेस के थ्रू जा रही हूँ, तो उसमें नया इनोवेशन आ रहा है, ठीक है, हर चीज में क्या आ रहा है, मॉडिफाई हो रही है हर चीज. अनडाउटेडली इनोवेशन इज अबाउट टेकिंग इन्वेंशंस टू मार्केट प्लेसेस बाय ट्रांसलेटिंग साइंटिफिक नॉलेज इन टू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या ऑफरिंग फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट. तो मैं किसी भी फील्ड के अंदर जा रही हूँ, चाहे मैं ग्रोथ की तरफ जा रही हूँ, चाहे मैं किसी प्रोडक्ट की तरफ जा रही हूँ, चाहे मुझे साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनोवेशन को डाल रहे हैं. सो ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड डेकेड 2010 से 20 तक का डेकेड ऑफ इनोवेशन उसे बोल दिया गया है. यानी ये 10 साल, ये जो दशक है, इसे क्या बोल दिया गया है, डेकेड ऑफ इनोवेशन टू अनलीश द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ एवरी इंडियन. ताकि वो चाहते हैं जैसे डिजिटल इंडिया का आया था ना प्लेटफॉर्म, तो उसी तरीके से ये भी वैसा ही एक इनोवेशन के ऊपर रखा गया है कि इतनी सारी इनोवेशन हो रही है इतनी सारी इस डेकेड के अंदर, कि हर एक जो इंडिविजुअल है, ठीक है, हर एक जो इंडियन है उसकी क्रिएटिविटी को सामने रखा जाए. तो इंडिया हैज ऑलरेडी बीन इंप्रूविंग ऑन ग्लोबल स्टेज इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, जो कि हमारा रैंक कितना है, 86th रैंक है हमारा, और अभी कितना है, 5 ईयर वो 86 था, अभी कितना है, 57th पे हम आ गए हैं इनोवेशन के उसमें ग्लोबली, ठीक है, इंडिया का जो रैंक है. तो फॉर इंडिया टू इमर्ज एज अ ग्लोबल इनोवेशन हब, द यूथ ऑफ आर कंट्री स्पेशली इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नीड टू प्ले अ क्रूशियल रोल टू क्रिएट अ सब्सटेंशियल सॉरी सस्टेनेबल इनोवेशन इकोसिस्टम. तो वो चाहते हैं कि हम अभी तो हम 57th पे चल रहे हैं, तो जितना भी हमारा यूथ है, यूथ कहाँ है, सारा इंस्टीट्यूशंस के हायर एजुकेशन के अंदर ही हमें मेन यूथ जो है वो मिलेगा. तो यूथ जो है वो जितना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है इस क्रिएटिविटी के अंदर उतना ज्यादा दे. हेंस आइडियली ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड फंक्शनल मैकेनिज्म टू कन्वर्ट रिसर्च इनटू इनोवेशंस. In India on indicators related to innovation and entrepreneurship development. तो किस कॉलेज में कितनी ज्यादा यूथ ने जो है इस चीज के अंदर ने मतलब नई नई चीजें को क्रिएट किया है या कोई कुछ हमारे लिए नया लेके आए हैं, तो ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है या ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर इस प्लेटफॉर्म के अंदर मतलब उनका जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट एक पूरी मतलब व्यापक तरीके से एक ऑल ओवर रिपोर्ट उसके ऊपर रखी जाती है, ठीक है. तो ये हुआ हमारा ARIIA, ठीक है. अब इसके मेजर इंडिकेटर्स क्या है, यानी कि किस तरीके से इसको रैंक करते हैं या किस तरीके से ये देखते हैं. नंबर वन ओके, किसी का भी नहीं आ रहा है क्या? नो मैम, किसी नहीं आ रहा. अब आया? Yes, ma'am. Okay. हाँ जी. तो मेजर इंडिकेटर्स इसके क्या हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है कि 20 मार्क्स जो हैं वो बजट एक्सपेंस या सपोर्ट या रेवेन्यू जो भी जनरेट होता है, मतलब मैंने कितना पैसा लगाया, क्या आ रहा है मेरे पास, क्या चीजें हैं, उसके ऊपर 20 मार्क्स जाते हैं. 10 मार्क्स इनके इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी इनकी फैसिलिटीज होती है स्टार्टअप के लिए जो लगाई है उसके ऊपर जाता है. देन 20 मार्क्स उनका आता है अवेयरनेस एक्टिविटीज जो कि उसे प्रमोट करने के लिए लगाई जाती है उस आइडिया को, ठीक है. देन 20 मार्क्स आते हैं प्रमोशन एंड सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अगर किसी ने नया स्टार्टअप दिया है एकदम, तो उसके डेवलपमेंट के लिए उसको 20 मार्क्स दिए जाते हैं. देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, ठीक है, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर आपकी कमर्शियलाइजेशन
रिटर्न, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इनके 14 मार्क्स ले जाते हैं. देन इनोवेशन लर्निंग मेथड्स एंड कोर्सेज, इसके लिए 10 मार्क्स ले जाते हैं. देन इनोवेशंस इन गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इसके लिए 6 मार्क्स लिए जाते हैं. तो इस तरीके से इनका एक क्राइटेरिया है जो ये कंसिडर करते हैं, जिसके बेसिस पे ये क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन का पूरा वो रखते हैं, मतलब रिकॉर्ड रखते हैं. आई कैन ओपन इट ऑल्सो. बड़ी इंटरेस्टिंग सी साइट है ये. देखो ये इनोवेशन अचीवमेंट है इनका, ठीक है. जैसे अगर आप ओरिएंटेशन सेशंस भी हैं इनके अगस्त में अभी होंगे, जुलाई से अगस्त में चलेंगे, ठीक है. इसके लिए कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है. तो ये चीजें आ जाती हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने डिफरेंट रिपोर्ट दी है. देखो टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर क्या रहती है, माइंड सेट डेवलपमेंट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज के अंदर, ठीक है, या फिर आपकी सेटअप्स एस्टैब्लिश्ड, ये सारे चीजें इन्होंने अलग अलग रिपोर्ट्स दी हुई हैं. इनोवेशंस कितनी डेवलप हुई हैं, क्या चीजें हुई हैं, ये सब चीजें, ठीक है. तो इस तरीके से ARIIA वर्क करता है. अब देन देखो यहाँ पे मैंने जस्ट ये आपके लिए डाली है ताकि आप इसे याद करें, और ये 5 पॉइंट्स आपने याद करने हैं. हालांकि ये स्कूल एजुकेशन के लिए है, लेकिन ये किसी भी एंगल से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है. ये हमें क्या है, NCF. NCF क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ लर्न करने के लिए, क्योंकि जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का करेंगे. तो जब आप NEP पढ़ेंगे, NEP के अंदर ये चीज आपको सीखनी है कि हमारा जितना भी करिकुलम होगा, क्योंकि हमने NEP में अपना एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक हम बदल देंगे, है ना, यानी बदल दिया जाएगा, तो उसके लिए नया करिकुलम भी फ्रेम करना पड़ेगा. तो नया करिकुलम फ्रेम हो रहा है और होने वाला है, तो वो क्या है, 2023 के अंदर नया करिकुलम फ्रेमवर्क आ जाएगा, जिसके 5 पॉइंट्स है. मतलब वो 5 मेजर एरियाज के ऊपर ध्यान देता है उस करिकुलम में. देखो करिकुलम हम पाठ्यक्रम को बोलते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम केवल आपका सिलेबस नहीं होता है, ठीक है. पाठ्यक्रम का मतलब है जो मेरी करिकुलर प्लस नॉन, मतलब सॉरी एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक, यानी शैक्षिक और गैर शैक्षिक जितनी भी गतिविधियां आप एक स्कूल में एक इंस्टीट्यूशन में जाके करते हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है. तो अब आप यहाँ पे देखो कि फर्स्ट तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, पढ़ाने की अप्रोच किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, पार्ट ए उसका उस पर रहेगा. पार्ट बी स्कूल के सब्जेक्ट्स या फिर एरियाज क्या होंगे, क्या क्या डिफरेंट एरियाज, मल्टीपल, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम अपनाएंगे तो वो क्या रहेंगे. सी पार्ट में जैसे क्रॉस कटिंग थीम्स, ठीक है, वो क्या रहेंगी. क्रॉस कटिंग थीम्स जैसे कि अगर आप किसी अदर, जैसे हम लोग NCC वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, तो इस तरह की जो चीजें हैं और हम क्या सीखने वाले हैं उसके अलावा. देन इकोसिस्टम, एनवायरमेंट के बारे में हम क्या सीख, क्या कैसे हम बच्चों को क्या चीज अपने स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर सिखाएंगे. देन स्कूल का कल्चर या प्रोसेस कैसे होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप मील दी जाती है बच्चों को, या जो भी चीजें हैं, जो भी उनका लंच ब्रेक रहता है कैसा रहेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी. तो इसके 5 एरियाज होंगे, आपको सिर्फ ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं NCF 2023, ठीक है. ओके, हमारी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी. वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक तो ये आ चुकी है और दूसरा इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है. अभी ये क्या है, CAB, ठीक है. CAB इज द ओनली एडवाइजरी बॉडी इस टाइम पे जो कि हायर क्या MOE के लिए काम कर रही है, ठीक है. जैसे कल मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ओपन करके दिखाई थी, तो अगर आप उसके ऊपर देखते हो एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, ये ओपन ही पड़ी है. अगर हम इसमें एडवाइजरी बॉडी देखेंगे तो यहाँ पे आपका सिर्फ CAB ही आता है, ठीक है. अभी पता नहीं वो कहाँ गया ऑप्शन, ठीक है, इसी पे है. तो CAB इज द ओनली वन जो कि क्या कर रहा है इस टाइम पे, एडवाइस दे रहा है. देखो एडवाइजरी बोर्ड का क्या मतलब होता है, एडवाइजरी बोर्ड सिंपली आपको किसी भी चीज को, जब भी कोई पॉलिसी बनती है, कुछ भी बनता है, तो पहले CAB के पास जाता है, ठीक है. CAB उसको क्या करता है, गो थ्रू करता है, मतलब एक तरह से उसको देखता है अच्छे से, उसका मतलब इवेलुएट करता है उसको, एंड देन उसके बाद वो उसमें अगर कोई भी चेंजेस उसको लगते हैं कि भाई नहीं ये अभी ठीक नहीं बना, या अभी हम इसे और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, बना
सकते हैं, तो उसमें चेंजेस मॉडिफिकेशंस बता देती है कैब, और अगर उसे इस मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट है तो उसे पास कर दिया जाता है, ठीक है. सो इट वॉज सेटअप फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकिंग, ठीक है. तो इसके अंदर पॉलिसी मेकिंग भी आ जाती है और हमारे यूनियन और स्टेट की जितनी भी कोऑर्डिनेशन है या कोऑपरेशन उसके अंदर बिठाना होता है वो सब भी कैब का काम होता है, ठीक है. तो इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1920 ईयर, याद रखना है. मैंने आज डॉक्यूमेंट भी भेज दिया था आपको जो ईयर का है, एंड प्लीज उसको मतलब ऐसे छोड़ मत देना, उसे सेव कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना उसका और उसे याद कर लेना, ठीक है. सो 1920 में ये पहली बार बनी थी, इसे ध्यान से सुनना, 1920 में ये पहली बार बनी थी, ठीक है. उसके बाद 23 में इसे खारिज कर दिया गया था, डिसॉल्व हो गई थी ये, ठीक है. फिर उसके बाद ये रिवाइव की गई थी अगेन इन 1935, ठीक है. तो आपको दोनों ईयर याद रखने हैं, 1920 जब ये पहली बार बनी थी, 1935 जब ये दूसरी बार बनी है, ठीक है. और अभी भी कैब जो है वो काम कर रही है, ओके. एंड ये गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, तो एडवाइजरी बॉडी है. अब नेक्स्ट आती है आपकी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज, दो बॉडीज आती है यहाँ पे, एक एनबीए आती है और एक नैक आती है, ठीक है. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों को ही आपको जरूर देख के जाना है. ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्रेडिएशन बेस्ड बॉडीज हैं, ठीक है. यानी कि ये हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को क्या करती हैं, एक्रेडिएट करती हैं. एक्रेडिएट मतलब उसको जैसे ग्रेड देती हैं, जैसे आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा कि ए प्लस रैंक है या ए है या बी है. बी तो वैसे बहुत मतलब नहीं भी होता है, ए तो मोस्टली का होता है, या फिर ए प्लस बहुत रेयर होता है, ए प्लस प्लस भी होता है और ए ट्रिपल प्लस तक भी होता है, ठीक है. तो कैसे ये कौन ये रैंकिंग नहीं है, ये एक तरह का ग्रेडिंग है. तो कौन ये ग्रेड देता है, कैसे हम इस ग्रेड को मतलब जानते हैं कि कैसे कौन से इंस्टीट्यूशन में दिया गया है. तो कल मैंने एनबीए के बारे में आपसे, जब मैं AICTE पढ़ा रही थी, हमारी फर्स्ट एजेंसी जब मैंने पढ़ाई थी, तो तब मैंने इसका जिक्र किया था. सो इट वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड बाय AICTE. AICTE क्या है बताओ, कल पढ़ा था आपने. AICTE क्या है, एनीबडी? नहीं याद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. तो नाम से क्या पता लग रहा है ये कौन सी एजुकेशन को देखते होंगे? इंजीनियरिंग वगैरह में. ये टेक्निकल एजुकेशन को देखते हैं, ठीक है. अब जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है उसे जो हमारी AICTE है वो होल्ड करती है, टेक्निकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. ये हमने कल डिस्कस किया था, एक बार दोबारा से लेक्चर को सुन लिया करो, है ना. जब आपका पूरा देखो, जब सुन रहे हो ना तो पूरे फोकस से सुनो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप फोकस से सुन रहे हो ना तो इतना बेसिक तो आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है. तो इसको हमने कल देखा था और इसके अंदर ही मैंने आपको बताया था कि इनकी एक एक्रेडिएशन बॉडी है जो कि नाम क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन, ठीक है, यानी एनबीए. एनबीए क्या करता है, हमारे जितने भी इंडिया के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं या प्रोग्राम्स हैं उनको जाके क्या करते हैं, ये पीरियोडिकली, यानी कि जैसे हर 4 महीने बाद या हर 6 महीने बाद, पीरियोडिकली मतलब कुछ एक टाइम पीरियड के बाद, ये क्या करते हैं, उनको असेस करते हैं या मतलब इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन करते हैं उनका जाके, और फिर उन्हें ग्रेड देते हैं, ठीक है. तो इससे क्या बना रहता है, क्वालिटी एजुकेशन इससे मेंटेन्ड रहती है, ठीक है. सो AICTE ने इसे एस्टैब्लिश किया अपने कॉलेजेस के अंदर क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए. सो एनबीए केम इनटू एग्जिस्टेंस एज एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑन 7th January 2010 के अंदर इसे बनाया गया, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ताकि मतलब गुणवत्ता जो है वो बनी रहे हमारे कॉलेजेस के अंदर, एंड एजुकेशन रेलिवेंस पर्टिकुलरली ऑफ द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी या आर्किटेक्चर या फिर हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, जैसे ऐसे सारे जो भी इंस्टीट्यूशन हैं या प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर जाके ये उनकी क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है, और उन्हें ग्रेड भी करते हैं. तो ये एक क्राइटेरिया होता है एंड पैरामीटर्स फॉर एक्रेडिटेशन, इनका कुछ प्रोसेस होता है, उसके उसके थ्रू ही ये रैंकिंग करते हैं, मतलब सॉरी ग्रेडिंग करते हैं.
तो नेक्स्ट आता है जी नैक. नैक इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नैक क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल. यहाँ पे याद रखना है कि असेसमेंट पहले आता है और एक्रीडिएशन बाद में आता है, यानी कि असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन है, एक्रीडिएशन एंड असेसमेंट नहीं है. ये चीज आपको माइंड करनी है, ठीक है. अब नैक कब बना था? 1994 के अंदर. ईयर याद रखना है आपको, ठीक है. ये भी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, यानी कि खुद से ऐसे रन किया जाता है एंड ये वर्क करता है यूजीसी के अंदर. तो अब ये एक तो यहाँ पे ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि AICTE के अंदर NBA काम करता है, यानी अंडर काम करता है उनके और उनके इंस्टीट्यूशन को जाके चेक करता है, ठीक है. और दूसरा जो यूजीसी है, जो कि नॉन टेक्निकल जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के, उनको होल्ड करता है ना. तो उसने किसको किसको अपने अंडर रखा है? उसने नैक को अपने अंडर रखा है टू मेंटेन द क्वालिटी एजुकेशन. सिमिलर काम, वो वही काम जो एनबीए AICTE के लिए करता है, वही नैक जो है वो यूजीसी के लिए करता है, ठीक है. The maintain mandate of NAC includes making quality assurance as an integral पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. तो सेम वैसे ही ये भी उनकी क्वालिटी को एश्योर करते हैं. इट फंक्शंस थ्रू इनके, एक तो देखो जनरल काउंसिल होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है इनकी, और पॉलिसी मेकर्स होते हैं कुछ फिर कुछ इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं एजुकेशनल एंड सीनियर एकेडमिशियंस भी होते हैं From the Indian higher education system, ठीक है. फिर president of जो हमारा general council है, उनके president कौन होते हैं? जो UGC के chairman है वो उनके president होते हैं. And chairman of EC, जो हमारा executive इसका committee होती है, उसके अंदर जो nominate करते हैं उसको president ही nominate कर सकते हैं, ठीक है. NAC के अंदर मतलब वो members को president लेके आ सकते हैं. तो NAC is supported by the advisory and consultative कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. नैक को सपोर्ट किया जाता है, जो भी टाइम टू टाइम हमारी कंसल्टिंग की जो भी कमिटीज बनती हैं वो सपोर्ट करती हैं, ठीक है. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि नैक जो है वो ए ट्रिपल प्लस तक की ग्रेडिंग देता है. मेरे मुंह से बार बार रैंकिंग निकलता है, ठीक है. जैसे ये देख रहे हो, दिस इज नैक, ओके. ये डिफरेंट इन्होंने क्राइटेरियाज दिए हुए हैं एलिजिबिलिटी के, कि किस तरीके से ये रैंकिंग देते हैं और क्या करते हैं, ओके. तो इनका प्रोसेस क्या है, इनकी ग्रेडिंग या क्या चीजें कैसी रहती हैं, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं. बेनिफिट्स ऑफ एक्रीडिएशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इनका प्रोसेस ये आप देख रहे हो. यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग को भी देखते हैं, रिसर्च इनोवेशन देखते हैं, करिकुलर एस्पेक्ट्स भी देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग सोर्सेज भी देखते हैं. इस हिसाब से ये वेटेज देते हैं, यहाँ पे जैसे वेटेज मिलती है. स्टूडेंट सपोर्ट या प्रोग्रेस कितनी, प्रोग्रेशन कितना है, गवर्नेंस लीडरशिप मैनेजमेंट या फिर इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कितनी कराई जाती है, उस हिसाब से ये हायर इंस्टीट्यूशंस को जो है ग्रेड देते हैं, ठीक है. सो दिस इज द क्राइटेरिया और द ये वेटेज आपकी, ठीक है, इस हिसाब से दी जाती है. तो ये हो गया, ये जैसे यहाँ पे है सी ए डबल प्लस है, ओके. एक्रीडिएट करते हैं ये इस हिसाब से. तो डी ग्रेड का मतलब क्या है, सी ग्रेड का मतलब क्या है, जैसे हमारा होता है ना CGPA, उसी तरीके से ये इंस्टीट्यूशंस का CGPA है, ओके, ठीक है. तो इतना क्लियर है ये सारी चीजें? Yes, ma'am. Okay. Next, देखो ज्ञान. ज्ञान क्या है? Global initiative of academic networks. ठीक है, जितने भी academic, जितने भी शैक्षिक तौर पर जो भी network connect होते हैं, जो भी networks हैं, उनका जो भी globally, अब हम globally बात कर रहे हैं, globally जो भी initiative लिया गया, वहाँ हम कहाँ पे खड़े हैं? So ज्ञान क्या है? The government of India approved a new program titled ज्ञान that is aimed at tapping the greatest talent pool of scientists and entrepreneurs. जितने भी जो नया business लेके आए हैं या जो भी नए नए जो भी scientist हैं जितने भी fields के अंदर, ठीक है, across the country internationally to
encourage their engagement with higher education institutions in India so as to utilize and develop the country's existing academic resources. So, jitne bhi dekho, wo to ek tarah se India ke liye to wo ek tarah se उनके रिसोर्सेज है ना एकेडमिक, तो वो उसे इंटरनेशनली प्रेजेंट करना चाहते हैं और लिंक करना चाहते हैं इंटरनेशनली, जिसके लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन किया है. जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जो नया कुछ भी आप नया बिजनेस में लाए हैं या कुछ भी आप नई आपने इनोवेट किया है उसके ऊपर बात हो रही है. देन आता है एनटीए. एनटीए क्या है? हाँ जी, आप एनटीए का पेपर देते हो तो मुझे बताओ एनटीए क्या है. नेशनल टेस्ट एजेंसी फुल फॉर्म होता है मैम इसका. ऐसी संस्था है जो जो है प्रतियोगी परीक्षाओं को डील करती है. वेरी गुड. हाँ जी, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको ये कंडक्ट करते हैं, है ना, और सिर्फ कंडक्ट करते हैं, इनका और कोई भी मतलब नहीं होता है. ठीक है, जैसे हमारा पेपर है जो अगर हम उसी की बात करें तो यूजीसी एनटीए नेट है ना. यूजीसी क्यों साथ में लगता है? क्योंकि मेन हमारी एजेंसी कौन है जो जिसने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मतलब अपने क्राइटेरिया के अंदर डाला है क्वालिफिकेशन के लिए, वो तो यूजीसी ही है. जो नॉर्म्स बनाती है वो यूजीसी है. अगर कोई चेंज आएगा, ठीक है, तो वो यूजीसी लेके आएगी अगर हमारे पेपर में कोई चेंज आता है तो. लेकिन एनटीए सिर्फ क्या करती है, उसको कंडक्ट करती है उस पेपर को, सीबीटी के मेथड ले रहे हैं से ले रहे हैं या उसको चेक करने तक, मतलब पेपर बनाने से लेके चेक करने तक का काम जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का होता है. तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया है एज एन इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है. ये किस एक्ट के अंदर ये बनी है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, जो हमने कल भी इसके अंडर हमने दो एजेंसीज पढ़ी थी. ठीक है, तो इस एक्ट को आपने याद रखना है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ये एक्ट बना था. तो फॉर कंडक्टिंग एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन ऑर्डर टू असेस द कॉम्पिटेंसी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू प्रीमियर. देखो ये एंट्रेंस टेस्ट भी लेती हैं, ऐसे बहुत सारे जेईई वगैरह के एग्जाम्स भी लेते हैं. अगर आपने वैसे तो ऑफिशियल साइट इनकी विजिट की ही होगी एनटीए की, है ना, तो अकेला यूजीसी ही नहीं होता एनटीए के ऊपर, और भी काफी एग्जाम्स होते हैं. ठीक है, जैसे ये है नीट का एग्जाम हो गया, सी मैट हो गया, जी पैट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, जेएनयूईई हो गया, एनसीएचएम हो गया, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं इसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं. और मोस्टली ये सारे के सारे जैसे मतलब सीबीटी के थ्रू ही करते हैं. जैसे ये जेईई है, इंजीनियरिंग का एग्जाम ये लेते हैं, तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के अंदर होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करती है. ठीक है, इनकी एप्लीकेशन भी है नेशनल टेस्ट अभ्यास. ठीक है, ये मैं बहुत बार मैं हम आपको बताते भी, बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड भी की हुई है, हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने. तो अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे, आपको जितने भी आपके प्रीवियस जो पेपर्स हैं या मॉक टेस्ट अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप अभ्यास से कर सकते हैं. ठीक है, तो इनकी एप्लीकेशन वगैरह भी है, अभ्यास के नाम से है, एनटीए अभ्यास के नाम से है. तो ये हो गया हमारा एनटीए. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये क्या करती हैं, क्या चीजें हैं जो इसके इसके पार्ट में आती हैं. To identify partner institutions with adequate infrastructure from the existing school and higher education institutions, which would facilitate conduct of online examinations. जैसे मतलब इनको ना इनको tie-ups करने पड़ते हैं किसके साथ, जहाँ ये conduct करेंगे examination. ठीक है, वो partner institutions हो जाते हैं इनके, तो उनका infrastructure देखना पड़ता है इनको, कितनी बड़ी lab है. जैसे सारा तो CBT के mode से होता है ना, तो उतने ही computers चाहिए होंगे जितना बच्चा paper में बैठने वाला है ना. तो हर बच्चे के लिए जैसे shift wise ये paper लेते हैं या कैसे पेपर ले रहे हैं, एक दिन में दो शिफ्ट ले रहे हैं, कहां कौन बैठेगा, किसकी सीट कैसे होगी, इन सब चीजों को बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए इन्हें इंस्टीट्यूशंस के साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस करना पड़ता है. ठीक है, तो एक तो ये इनका फंक्शन रहता है. टू क्रिएट अ क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल स्टूडेंट्स यूजिंग द मॉडर्न टेक्निक्स. तो मॉडर्न टेक्निक्स क्या है? सीबीटी. सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. तो जितने भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जैसे आप अगर आप इनकी साइट पे जाओगे तो डाउनलोड्स पे जाओगे, जैसे मैं बच्चों को बहुत बार बताती हूँ, डाउनलोड्स पे जाओगे तो यहाँ पे आप ईयर डालो, यहाँ पे आप एग्जाम डालो, जैसे ये रहा यूजीसी नेट. ठीक है, यहाँ पे आप डालो पेपर आपको कौन सा चाहिए, पेपर वन मतलब कॉमर्स या जो भी है, तो उसको सर्च करोगे आपको पेपर निकल के आ जाएगा. ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, जैसे डाउनलोड मॉक टेस्ट है तो आप मॉक टेस्ट भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो.
इनके उसके ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ पे मॉक टेस्ट लिखा है, ठीक है, आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, टाइमर चलता है, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एग्जैक्ट जो वो है आपका पेपर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स के लिए जो है क्वेश्चन बैंक भी रखते हैं सब्जेक्ट वाइज। देन टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग R&D कल्चर एज वेल एज अ पूल ऑफ एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग। तो इनके पास ये लिस्ट भी होती है कि जैसे आप क्वेश्चन बनवाने हैं, किससे बनवाने हैं, कौन बनाएगा क्वेश्चंस, तो वो एक्सपर्ट्स भी चाहिए होते हैं उनको, एक एक क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, हर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम करने के लिए इनको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए ये टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहते हैं और जानते रहते हैं कि कौन किस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है या कौन इस एरिया में हमारे लिए काम कर सकते हैं। Then to help individual colleges and universities in the field of testing and to provide training, ये training भी देते हैं testing के लिए भी colleges और universities को help करते हैं and advisory services to the institutions in India, ठीक है, and advice भी देते हैं to provide quality testing services to academic institutions in India, ठीक है, ताकि जो test लेने की मतलब testing में कोई cheating ना हो, कोई paper leak ना हो, कोई हम ऐसा कुछ ना करें जिससे मतलब कोई भी testing में fault आ रहा है, ठीक है, तो ये इस चीज को मेंटेन करके रखते हैं। Then to develop a state of the culture, art culture of testing in India by using domestic and international expertise. तो ये इस चीज को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे हम ऑनलाइन आजकल हम हर चीज को है इसके ऊपर ले आए हैं, एंड थ्रू इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज टू कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ETS या फिर ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस चीज पे काम करती हैं, उनके साथ कोलैब मतलब उनके साथ मिलके चलने के लिए भी ये लोग इस चीज को भी होल्ड करते हैं। Then to undertake any other examination that is entrusted to it by the ministry या फिर हमारी government अगर कोई और exam भी लेना चाहती है तो वो भी ये इनको देखना होता है। Then to undertake the reforms and training of school boards as well as other bodies, कोई भी school के board के कोई चीजें हैं, trainings हैं या फिर कोई सुधार है, reforms हैं या other कोई भी चीज standard मतलब testing standards should be comparable with the entrance examinations, ठीक है, तो जितने भी entrance examinations, मतलब school level के भी, board level के भी जो entrance examinations हैं, उनको भी ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे क्या करती है, NTA सारी चीजें hold करती हैं। तो इस document में जितनी भी agencies मैंने आपको पढ़ाई, काफी सारी आपने पढ़ी, are they clear to you? वैसे तो आप जब एक बार और पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, देन ओनली आपको ये चीजें याद होंगी। और जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि हायर एजुकेशन सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसके अंदर आपको क्रैमिंग ज्यादा करनी होती है, यानी क्रैमिंग इन द सेंस आपको ईयर याद रखने हैं, आपको बहुत सारी फुल फॉर्म्स इसके अंदर याद रखनी पड़ेंगी और फंक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे। मेन तो इस चीज इसमें तीन चीजें आती हैं। इज इट क्लियर इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good.